अगर हम बात करते हैं प्राइस सेंसिटिविटी मार्केट सेगमेंट्स के हवाले से तो वो भी बहुत की इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए बिकॉज़ दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स आपकी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक रिटेलर फॉलो करने जा रहा है तो हमारे पास देर आर लॉट ऑफ मार्केट सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी जो के डिराइव करते हैं कि आपको किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना है किस तरह की प्राइसिंग डिसीजन को फॉलो करना है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंज्यूमर्स के हवाले से ये वो कंज्यूमर्स हैं कि जो के प्रोडक्ट का इकोनॉमिकल सोल्यूशन दे आर लुकिंग फॉर यानी कि डिस्काउंटेड प्राइसिस के ऊपर इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली सिचुएशन चाहते हुए क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट को इकोनॉमिकल सोल्यूशन चाहिए तो ये वो मार्केट है ये वो कस्टमर है ये जो के कोशिश करेंगे कि उनको चीप प्रोडक्ट मिल जाए मैं नॉर्मली वह जब इसको चीप की बात करता हूँ तो इट इज़ दी लोएस्ट पॉसिबल प्राइस विदाउट इफेक्टिंग दी क्वालिटी और सब केसेस के अंदर क्वालिटी का इम्पैक्ट भी आ जाता है तो नॉर्मली एक रिटेलर को क्योंकि अपने इमेज को भी कायम रखना है अपने स्टेटस को भी कायम रखना है तो इसीलिए विदाउट इफेक्टिंग द क्वालिटी वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस का जो सेगमेंट है वो ये इकोनॉमिक कंज्यूमर्स का सेगमेंट है कि जो कि एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन मांग रहे होते हैं एक रिटेलर से दूसरे नंबर पे स्टेटस ओरिएंटेड कंज्यूमर्स हैं ये वो कस्टमर्स हैं ये वो कंज्यूमर्स हैं कि जो के स्टेटस कॉन्शियस हैं और उनके लिए एक ब्रांड को से बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्रेड बाय कर लिया है किसी भी बेकरी से या मैंने वो ब्रेड बाय कर लिया है मे बी सी से तो इन दोनों बातों के अंदर एक डिफरेंस है जो कि स्टैटस के हवाले से है ऑफ कोर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट की प्राइस हर चीज़ डिफाइन कर रही होगी ड्राइव कर रही होगी आपकी कन्वीनियंस आपका एक्सपीरियंस हर वैल्यू हर चीज़ डिफाइन कर रही होगी तो ये वो सेट ऑफ़ कस्टमर्स हैं जब हम बात करते हैं स्टेटस ओरिएंटेड कस्टमर्स की कि जो के प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेते वक्त स्टेटस को कंसिडरेशन में रखते हैं क्योंकि इनकी नज़र में प्रोडक्ट uh, की प्राइस जो है इट शुड बी एज पर स्टेटस विच दे आर गोइंग टू कैरी तो अपना स्टेटस भी और उस रिटेलर का स्टेटस भी तो दोनों का अगर एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की प्राइसिंग रिटेलर को uh, बनाने में क्रिएट करने में एक हेल्प मिलेगी तीसरी तरह के जो कंज्यूमर्स हैं वो असॉटमेंट ओरिएंटेड है फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ कस्टमर इफ आई एम लुकिंग फॉर लेट से टेन टाइप्स ऑफ कुकीज सो मे बी मैं आई एम मोर असॉटमेंट ओरिएंटेड इफ आई एम लुकिंग फॉर ट्वेंटी टाइप्स ऑफ कॉफी तो मे बी आई एम मोर ऑफ कस्टमर हु इज असॉटमेंट ओरिएंटेड कस्टमर हु इज नॉट प्राइस ओरिएंटेड द इकोनॉमिकल वाला कस्टमर हु इज नॉट द स्टेटस ओरिएंटेड कस्टमर बट

उन साइजेस में कितनी पैकेजिंग अवेलेबल है और कितने प्राइस पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो असॉटमेंट ओरिएंटेड कस्टमर जो है वो फोकस होता है ऑन दी डेप्थ ऑफ दी असॉटमेंट ऑन दी विथ ऑफ दॉटमेंट एक रिटेलर क्या कैरी कर रहा है फिर देन हमारे पास है पर्सनलाइजिंग कंज्यूमर्स ये वो सेगमेंट है जो कि चीज़ों को प्रोडक्ट्स को की पर्सनलाइजेशन के ऊपर फोकस होता है फॉर एग्जाम्पल डेल ने कुछ अरसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि यू कैन क्रिएट योर ओन मशीन ऑनलाइन आप जाएं कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें और एक अपनी मशीन खुद सेलेक्ट कर लें सो ये उन कस्टमर्स के लिए था कि जो के पर्सनलाइजेशन की तरफ फोकस्ड हैं जो के पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं पर्सनलाइज प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं दे वुड लाइक टू हैव द प्रोडक्ट विच इज ओनली मेंट फॉर देम तो इस तरह के कंज्यूमर जो हैं उनके लिए ऑफकोर्स प्राइसिंग सेट करना प्राइसिंग डिसीजन एक बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी है क्योंकि ऑफकोर्स वो सर्विसेज वो प्रोडक्ट जो वो बाय करना चाह रहे हैं दैट इज़ स्पेशली मेंट फॉर देम फिर हमारे पास है कन्वीनियंस ओरिएंटेड कंज्यूमर्स ये वो कंज्यूमर्स हैं जो कि प्रोडक्ट की बाइंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस जिस तरीके से नॉर्मली बेसिक ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो एग है वो ब्रेड है वो रस्क है वो जो बिल्कुल बेसिक कमोडिटीज़ हैं ये वो कस्टमर uh, है जो कंज्यूमर है जो कि बाय करता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस नॉर्मली आप ऑब्ज़र्व करेंगे नियर बाय बेकरी से नियर बाय जनरल स्टोर से नियर बाय करियाना स्टोर से इस तरह के प्रोडक्ट्स को बाय किया जाता है और इस तरह के प्रोडक्ट्स नॉर्मली इनकी प्राइसिंग कस्टमर को बहुत आसानी से याद भी होती है और ज़्यादा कस्टमर इनकी प्राइसिंग के ऊपर बहस भी नहीं करता बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉर कन्वीनियंट बिकॉज वो प्रोडक्ट कन्वीनियनटली अवेलेबल हैं उसके पास तो ये वो तमाम मार्केट सेगमेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी जो कि एक रिटेलर कंसीडरेशन में रखता है जब वो अपनी प्राइसिंग को फाइनल करने के लिए जा रहा होता है इसी तरीके से गवर्नमेंट uh, भी प्राइसिंग को इम्पैक्ट करती है जिस तरह हमने डिस्कस किया अर्लियर भी सो गवर्नमेंट एंड रिटेल प्राइसिंग का क्या इम्पैक्ट है क्या किस तरीके से है तो सबसे पहला परसपेक्टिव देर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ऑन द चेकलिस्ट सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दैट इज हॉरिजोंटल प्राइस फिक्सिंग फॉर एग्जाम्पल रिटेलर्स सेट ऑफ रिटेलर्स इन द इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स इन द इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल मैनुफैक्चर इन द इंडस्ट्री इफ दे एग्रीड ऑन सम प्राइस फिक्सिंग फिकसिंग दैट विल बी कंसिडर्ड एज हॉरिजोंटल प्राइस फिक्सिंग अगर हम वर्टिकल की बात करेंगे तो इस केस के अंदर और द स्टेक होल्डर्स इन दर्टिकल चेन इफ दे एग्री ऑन सम प्राइसिंग सो दैट इज ऑल्सो दैट इज कंसिडर्ड एज वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग इसी तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसको अभी हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं अपनी आने वाली स्लाइड के अंदर जो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो की जा सकती है अगर इफ देर इज अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर इट फॉर एग्जांपल इफ गवर्नमेंट एज अ रेगुलेशन टू मेंटेन अ प्राइस देन यू हैव टू मेंटेन अ प्राइस बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू इट सो दैट एक्सेप्शन इफ यू आर एबल टू शेयर गवर्नमेंट ऑफकोर्स कैन हैव यर प्रोडक्ट देन मिनिमम प्राइस लॉस कुछ जगहों पे कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर देर आर लॉस जहाँ पे मिनिमम प्राइस लॉस भी मौजूद है इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे यू कैन नॉट सेल तो इस तरह के केस के अंदर आपको उन लॉस को अबॉइड बाई करना है इसी तरीके से यूनिट प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है आइटम प्राइस रिमूवल का कॉन्सेप्ट है प्राइस एडवर्टाइजिंग के हवाले से गवर्नमेंट रूल है फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट एडवर्टाइज दट थ्रॉट प्राइसिस और यू कैन नॉट एडवर्टाइज दी प्रोडक्ट प्राइस लेस देन दिस प्राइस और मोर देन दिस प्राइस सो दोनों तरह की ऑप्शन हम प्राइस एडवर्टाइजिंग के अंदर भी हमारे पास कंसिड्रेशन में आती हैं तो यहां पर जब हम बात करते हैं प्राइसिंग के हवाले से तो गवर्नमेंट बहुत मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है प्राइसिंग को सेट करने के लिए रिटेलर के जहां मैंने बात की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कि अगर आप करना चाहते हैं तो देर हैज टू बी सम जस्टिफिकेशन फॉर इट वो जस्टिफिकेशन क्या है लेट मी शेयर इट बिथ यू तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सो प्रोडक्ट्स आर फिजिकली डिफरेंट अगर हम बात कर रहे हैं क्वालिटी मीट की तो अगर हम बात कर रहे हैं क्वालिटी शुगर की सो so हमारे पास दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो मौजूद हैं गवर्नमेंट की रेट लिस्ट की प्राइसिंग विल बी एज पर प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाई द गवर्नमेंट लेकिन देर कैन बी प्रोडक्ट्स जो कि उसके स्टैंडर्ड से बहुत बेहतर हैं। तो अगर प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं यू कैन हैव डिफरेंट प्राइसिंग फॉर एग्जाम्पल पल्सिस यू कैन हैव डिफरेंट प्राइसिस फॉर एग्जाम्पल राइस हैव डिफरेंट प्राइसिस फॉर एग्जाम्पल प्राइस क्वालिटी एज पर दिवन बाई द गवर्नमेंट एंड प्राइस एंड क्वालिटी अब स्टैंडर्डन बाई द गवर्नमेंट सो दे रिंग नॉट इफेक्टेड बाई दिसन यू कैन हैव ऑल्सो डिफरेंट प्राइस दैन प्राइस डिफ्रेंसिस आर ड्यू टू डिफरेंस इज द सप्लायर कॉस्ट ऐसा भी होता है कि यू हैव डिफरेंट सप्लायर कॉस्ट इस केस के अंदर अगेन आप बाई कर रहे हैं किसी वेतनाम के सप्लायर से मैं बाई कर रहा हूँ किसी पाकिस्तान के सप्लायर से दोनों की कॉस्ट ऑफ गुड्स इफ़ इट इज डिफरेंट अल्टीमेटली यू हैव द जस्टिफिकेशन टू चेंज द प्राइस और टू डिसाइड द प्राइस अगेन मैंने बताया कि अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन मौजूद है प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने की यू कैन टेक दिस डिसीजन और फिर लास्ट हमारे पास है अगर मार्किट की कंडीशन चेंज हो जाए अगर मार्किट की कंडीशन चेंज हो गई हैं यू कैन रिएक्ट अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है कि यू कीप ऑन वेटिंग एंड लूजिंग योर मनी लूजिंग योर मार्जन लूजिंग योर प्रोफिटेबिलिटी ऐसा नहीं है अगर तो मार्केट की कंडीशन चेंज हो रही हैं ऑफकोर्स ये दोनों केसेज में हो सकता है बेशक वो रॉ मटीरियल की प्राइस इंक्रीज होने की सूरत में हो सकता है बेशक वो फिनिश गुड्स की प्राइस इंक्रीज होने की सूरत में हो सकता है बेशक वो प्राइस डिक्रीज होने की सूरत में हो सकता है दोनों सूरतों में यू हैव टू रिएक्ट एज पर दी मार्केट कंडीशन ये इसके लिए हमारे पास एक एक्सेप्शन मौजूद है लास्ट में हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की विच इज द कॉम्पिटिशन कि किस तरीके से कॉम्पिटिशन जो है वो प्राइसिंग को इम्पैक्ट करता है तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं मार्केट प्राइसिंग की नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट प्राइस जो है मार्केट जो है वो प्राइसिंग को डिसाइड करता है विच मीन्स कॉम्पिटिशन जो है वो प्राइसिंग को डिसाइड कर रहा होता है आप बेशक यू आर इन द लीडरशिप पोजिशन ऑफ एज ए रिटेलर प्राइस लीडरशिप के अंदर है या आप प्राइस फॉलोशिप के अंदर है दोनों सूरतों के अंदर कंपेटिटर के फैक्टर को कंपटीशन के फैक्टर को यू कैन नॉट इग्नोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग है कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेट प्राइसिंग है ये वो उस तरह की प्राइसिंग टाइप है जहां पर आप यू कैन ऑफर रिटेल मिक्सिस एंड देन इन दिस केस यू कैन इंक्रीज सम प्राइस और यू कैन इम्प्रूव द प्राइस यू कैन डिसाइड योर प्राइस लेवल और यू कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स बाय ऑफरिंग सच काइंड ऑफ रिटेल मिक्सिस तो हमने वो तमाम फैक्टर डिस्कस किए जो कि इफेक्ट uh, करते हैं रिटेलर की प्राइसिंग स्ट्रेटी को वो कंज्यूमर है वो गवर्नमेंट है वो इसके अलावा कोई भी है वो होलसेलर है रिटेलर है कोई भी शख्स कोई भी इदारा जो के प्राइसिंग को इफेक्ट कर रहा है वो ऑफकोर्स उसका एक इम्पैक्ट है और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो रिटेलर के अलावा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कर रहे होते हैं और ऑफकोर्स ये हेल्प करते हैं रिटेलर को एक राइट प्राइस स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक राइट प्राइसिंग डिसीजन लेने के लिए ताकि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें